नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्टोली के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों मार्केट के अंदर जो है एक भूचाल सा आ रखा है, क्योंकि टेक्निकल से रिलेटेड काफ़ी सारी नए नए गैजेट्स वगैरह यहाँ पे जो रिलीज़ हो रहे हैं। और दोस्तों एकदम अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें यहाँ पे जो मार्केट के अंदर आपको जो है टेक्निकल से रिलेटेड जो है देखने को मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों भविष्य के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो चलने वाली चीज़ है ना, वो है टेक्निकल चीज़ें, जैसे कि गैजेट्स हो गया, मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, काफ़ी सारे यहाँ पे जो गैजेट्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिनके द्वारा आप जो है काफी कुछ यहां पे जो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसी बीच मार्केट के अंदर एक जो है नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जो ये चीज का दावा करता है कि आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो है अपनी इसी दीवार के ऊपर जो है वीडियो को देख सकते हो, यानी कि वीडियो को आप जो है प्रोजेक्टर के द्वारा देख सकते हो। और दोस्तों इस एप्लीकेशन ने इस चीज़ का भी यहाँ पे जो दावा किया है कि आपको जो है अपनी दीवार के ऊपर वीडियो देखने के लिए किसी भी तरीके के कोई भी जो है अलग से प्रोजेक्टर को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर जो यहाँ पे फ्लैश लाइट होती है ना, उसी के द्वारा आप जो है अपनी दीवार पर वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी के बारे में आज का ये वीडियो यहाँ पे होने वाला है। और दोस्तों मैं अपने जो दूसरे मोबाइल फोन के अंदर मैंने इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल भी कर रखा है, बकायदा मैंने आप जो दो एप्लीकेशनों को डाउनलोड किया है, ताकि आपको जो अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से आप जो पता लग जाएगी कि आप वाकई में आप अपनी दीवार के ऊपर विदाउट किसी प्रोजेक्टर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की फ्लैश लाइट के द्वारा वीडियो वॉच कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अपने जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉसिबल होती है, लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन ने दावा किया है तो अपने को यहाँ पे जो देखने के में क्या जाता है, तो अपने जो इसकी एक बार यहाँ पे जो टेस्टिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप जो मोबाइल के अंदर जो है स्क्रीन रिकॉर्डर की भी जो अभी स्टार्ट कर देता हूँ, और जो सबसे पहली मेरे पास एप्लीकेशन है इसका नाम है HD वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आप नाम इसका देख सकते हो, HD वीडियो प्रोजेक्टर एप्लीकेशन का नाम है। और सिंपल तरीके से यहाँ पे एक स्टार्ट ऐप का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पे जो स्टार्ट ऐप के ऊपर जो क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे पूछता है कि आपको इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप जो एप्लीकेशन के अंदर अभी देख सकते हो कि वीडियो प्रोजेक्टर का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, वीडियो प्लेयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आपको जो सिंपल तरीके से यहाँ पे जो वीडियो प्रोजेक्टर के ऊपर चले जाना है। अभी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर जो है एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यार यहाँ पे जो आपको एड तो भरपूर मात्रा के अंदर जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि एड आपको यहाँ पे मिलेगी लगभग 50 एड आप जो है एक प्रोजेक्टर के अंदर देख सकते हो। जब भी आप एक वीडियो को यहाँ पे प्ले करते हो तो उससे पहले आपके सामने जो 40-50 एड तो मेरे हिसाब से आ ही जाएगी। तो अभी दोस्तों आपको जो वीडियो प्रोजेक्टर का ऑप्शन है, मैं सिंपल तरीके से जैसे इसके ऊपर यहाँ पे जो क्लिक करता हूँ, तो आप जो देख सकते हो फिर से एक ऐड यहाँ पे जो शो हो चुकी है, और मैं इसको यहाँ पे जो एक बार कट कर देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आ चुका है सिलेक्ट वीडियो का, तो मैंने यहाँ पे जो वीडियो को सिलेक्ट कर दिया और फिर से यहाँ पे एक ऐड आ चुकी है, तो इसको भी मैं यहाँ पे जो कट कर देता हूँ। अब आप जो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे पैम्पलेट्स वगैरह आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से आप कोई भी यहाँ पे जो पैम्पलेट को चूज कर सकते हो। मान लीजिए मैंने आप जो सेकंड वाला थर्ड वाला यहाँ पे जो चूज इसके अंदर कर दिया, तो जैसे फिर से यहाँ पे दोस्तों एक ऐड आ चुकी है, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे जो कट कर देता हूँ। अब ये बोलता है कि अप्लाई कर दीजिए, मैंने इसको वापस से यहाँ पे अप्लाई कर दिया, फिर से ऐड आ गई। और यहाँ पे मैंने एक जो वीडियो इसके अंदर बना रखा है, तो मैं जैसे ही इस वीडियो के ऊपर यहाँ पे जो क्लिक करता हूँ ना, तो मैं एक बार इसकी वॉल्यूम यहाँ पे जो डाउन कर देता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये जो वीडियो है ये नीचे यहाँ पे जो मोबाइल के अंदर प्ले हो रहा है, और ऊपर आपको जो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, जैसे अपने यहाँ पे MX प्लेयर के अंदर या फिर जो वीडियो प्लेयर के अंदर जो प्ले करते हैं कुछ उसी तरीके से है। और यहाँ पे जो दीवार के ऊपर कुछ भी यहाँ पे प्ले वगैरह नहीं हो रहा है, तो ये एप्लीकेशन तो यहाँ पे बिल्कुल फर्जी निकल चुकी है। अभी आपको मैं इसके बारे में सच्चाई भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क कर रही है और क्यों वर्क कर रही है। अभी अपने दूसरी एप्लीकेशन को यहाँ पे जो ओपन कर लेते हैं, मैं फटाफट से दूसरी एप्लीकेशन को यहाँ पे जो ओपन करके और आपको जो कंटिन्यू यहाँ से दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यार दूसरी एप्लीकेशन के अंदर आपको जो गेट स्टार्ट का एक ऊपर की तरफ जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे जो क्लिक करता हूँ, तो आप जो देख सकते हो फिर से यहाँ पे जो ऐड आ चुकी है, और यहाँ पे बोल रखा है कि रीडायरेक्ट टू वेब, तो मैं यहाँ पे जो नो कर देता हूँ। फिर से मैं कोई भी यहाँ पे जो पैम्पलेट इसके अंदर चूज कर लेता हूँ, और मुझे पता है फिर से यहाँ पे ऐड आने वाला है, तो यहाँ पे जो ऐड आ चुका है, और जो मेरा वीडियो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर प्ले हो चुका है। और दोस्तों यार ये क्या यहाँ पे अमेजिंग सा हो रखा है, यहाँ पे दीवार के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ना कि यहाँ पे LED फ्लैश लाइट ऑन है, कुछ भी नहीं है। आप जो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पे जो देख सकते हो, बिल्कुल ही एकदम यहाँ पे जो फर्जी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों अब आप बात आती है यहाँ पे कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से और क्यों यहाँ पे जो वर्क कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको जो बता देता हूँ कि ऐसी जो एप्लीकेशन होती है, जैसे कि मोबाइल के आप
जो है मोबाइल के द्वारा दीवार पे वीडियो देखो, काफ़ी सारी ऐसी और भी एप्लीकेशन है जो इससे रिलेटेड यहाँ पे जो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। तो इन एप्लीकेशनों का क्या होता है कि डाउनलोड सबसे ज़्यादा होता है और इनको कोई लंबे समय तक यहाँ पे जो वर्क नहीं करना होता, ये लगभग 2 या 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो 2 साल यहाँ पे जो मान के चल सकते हो, क्योंकि उसके बाद में तो जो है सभी लोगों को पता ही लग जाता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि इन जैसी एप्लीकेशनों के द्वारा आपका जो है डाटा वगैरह भी यहाँ पे लीक हो सकता है, आपकी जो प्राइवेसी है, आपके पिन कार्ड के नंबर है, जो भी वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पे जो है लीक होने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपका डाटा यहाँ से जो है बेचा भी जा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इन एप्लीकेशन वगैरह को यहाँ पे जो है डाउनलोड नहीं करना है। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के द्वारा यहाँ पे अर्निंग करती है, क्योंकि इन्होंने ऐसी एप्लीकेशन निकाल दी कि दीवार पे आप वीडियो देखो। तो अभी जो सभी लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिया, लगभग एक बंदे ने 3 या 4 बार इस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड किया होगा या फिर जो प्ले किया होगा। और दोस्तों अगर एक बंदा 4 बार एप्लीकेशन को प्ले करता है तो इसके जो टोटल डाउनलोड्स हैं वो आप मान के चल सकते हो 1 करोड़ से ज़्यादा के हैं। तो लगभग एक बंदा 4 बार इसे प्ले करता है तो लगभग 4 करोड़ बार इसको एप्लीकेशन को जो है लोगों ने प्ले किया है। तो इसकी अर्निंग आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ऐसी बिल्कुल ही फर्जी एप्लीकेशन है और आपको अच्छी तरीके से पता है कि फ्लैशलाइट के द्वारा कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है कि जो फ्लैशलाइट के द्वारा आपकी दीवार के ऊपर आपको वीडियो दिखा दे। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक जो मिनी प्रोजेक्टर आता है जो आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे या फिर अमेजोन के ऊपर मिल जाता है। तो दोस्तों उस प्रोजेक्टर से क्या होता है कि आप अपने मोबाइल के द्वारा उसे जो अटैचमेंट कर सकते हो, फिर आप जो भी चीज़ें मोबाइल के अंदर प्ले करते हो वो आपकी दीवार के ऊपर चलती है, ना कि आपकी फ्लैशलाइट के द्वारा बल्कि उस प्रोजेक्टर के द्वारा दीवार के ऊपर चलती है। तो काफ़ी सारे मैंने बंदों को ऐसा भी देखा है कि वो बोलते हैं कि आप जो देखो इस एप्लीकेशन के द्वारा दीवार के ऊपर वीडियो प्ले हो रहा है। तो ऐसी फर्जी चीज़ों से आप जो हमेशा बच के रहिए, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशनें ज़्यादा दिन तक यहाँ पे वर्क नहीं करती है। और दूसरी चीज़ की एप्लीकेशन आपकी जो प्राइवेसी को यहाँ पर जो नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि आपका जो डाटा वगैरह यहाँ से लीक हो सकता है। और दोस्तों आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि डाटा लीक के मामले में काफ़ी सारी एप्लीकेशन को जो है इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। फिलहाल ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर की जो पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर की पकड़ में आ जाएगी तो वो फटाक से इन एप्लीकेशनों को हटा देगा। तो ऐसे कोई भी झमेले के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगर आपको दीवार पे वीडियो देखना है तो मैंने आपको बता दिया, आप जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मंत्रा वगैरह पर कहीं पर भी जाकर के आप जो वीडियो प्रोजेक्टर, मिनी वीडियो प्रोजेक्टर को आप जो सर्च कर लेना और वहां से आप जो एक छोटा सा प्रोजेक्टर आता है, कोई एक तो जैसे बड़ा प्रोजेक्टर आता है, एक छोटा प्रोजेक्टर होता है, उसको आप जो अपने मोबाइल के अंदर जो कनेक्ट कर लेना और आप जो भी चीज़ें मोबाइल के अंदर प्ले करोगे वही की वही चीज़ें आपकी दीवार के ऊपर, आपके यहाँ पे जो किसी भी तरीके से आप जो यहाँ पे फर्श के ऊपर भी उसको जो है चला सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्टर का काम ही इतना ही होता है कि वो चीज़ों को आगे जो है प्रोजेक्ट करता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऐसी एप्लीकेशनों से आपको हमेशा बच के रहना है। कोई भी दूसरे बंदे को आपको जो इन एप्लीकेशन को रिकमेंड नहीं करना है कि भाई तू इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर, तुझे ये बेनिफिट होगा, तू दीवार पे वीडियो देखेगा। तो ये दोस्तों यहाँ जो एकदम बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। तो बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।